हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरदौस सिद्दीकी आपका स्वागत करता हूं बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10 के प्रश्नावली 5 के 5.2 के प्रश्न करेंगे। हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न क्रमांक 3, 5.2, कक्षा 10। प्रश्न क्रमांक 3, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 हो तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, छठा पद दिया है, छठा पद यानी A6, ये छठा पद है। छठा पद A6 जो होगा वो A+5D, जितवा पद है उसमें उसका एक कम करके D आ जाएगा। A+5D बराबर कितना है? 19। ये क्वेश्चन नंबर एक बन गई हमारी। और दूसरे आगे अपने को दे रखा है 17वां पद, A17 बराबर A+। अब देखो 17 है तो कितने D? 16D बराबर कितने हैं? 41 हैं। अब ज्ञात क्या करना है इसमें? 40वां पद ज्ञात करना है। यानी क्या ज्ञात करना है? A40, 40वां पद ये अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको अपने देखेंगे सिर्फ यहाँ तक। अब देखिए, समीकरण 1 और 2 दोनों को ए और ए कॉमन है तो इनमें लिख देंगे घटाने पर। घटाने पर क्यों लिखेंगे? इसके भी कुछ कारण होते हैं। देखिए, ये दोनों प्लस के हैं, अगर मैं यहाँ जोड़ने पर लिखूंगा तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। मेरे को इन दोनों को काटना है तो एक प्लस का और एक माइनस का होगा तभी कटेगा। तो यहाँ मेरे को घटाने पर लिखना पड़ेगा, और जैसे ही मैं यहाँ घटाने पर लिखूंगा तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे फ्रेंड्स। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और ये भी प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब मेरे क्या हो जाएंगे? ये कट हो जाएंगे ए से ए, ए प्लस का ए और एक माइनस का ए कट हो गया। प्लस के 5 और माइनस के 16 आपस में कटेंगे, बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर माइनस में आएगा। 16 में से 5 गए 11, बी, और ये भी माइनस के बचेंगे। 41 माइनस के बड़े हैं, 41 में से 19 घटाएंगे, 11 में से 9 गए 2 और 3 में से 1 गया 2। माइनस से माइनस कट हो गया फ्रेंड्स। माइनस से माइनस कट करते समय आपको इस तरह से निशान लगाना है। तो डी बराबर क्या आएगा? 22। ये 11 जो हैं इसका पक्षांतरण करूंगा तो 11 यहाँ बट्टे में आ जाएंगे। डी बराबर क्या आ जाएगा? 11 × 22। डी का मान आ गया मेरा 2। अब ए का मान निकालना है तो यहाँ लिखेंगे डी बराबर 2। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखूंगा A+5D = 19। ये समीकरण 1 है। A का मान A प्लस 5, B का मान 2 बराबर 19। तो A+5 × 10 = 19। तो A बराबर क्या आ जाएगा? ये 10 इस साइड जाएंगे, 19 − 10, A बराबर क्या आ जाएगा? 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा डी का मान, A का मान आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? हमें निकालना है A40, 40वां पद। यानी An का सूत्र क्या होता है? An बराबर होता है A+N − 1 B। तो A कितना है फ्रेंड्स? यहाँ पर A है हमारा 9 प्लस N − 1, N है मेरा 40, N की जगह 40 आया, माइनस 1 गुणा D। D का मान अभी अभी हमने निकाला था, कितना आया था? D बराबर 2। तो ये कितने आ गए? 9 प्लस 40 में से 1 गए 39 गुणा 2, 9 प्लस 2 नम 18, 2 3 6 और 1 7, कितने आ गए फ्रेंड्स? अब 9 और 1 10, 7 17, 7 और 1 8, ये आ जाएगा 87, आंसर आ जाएगा हमारा। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। आ रहे हैं फ्रेंड्स, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अगला प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। चौथा प्रश्न है इसका, वो दिया है किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और नौवें पद क्रम से चार और माइनस आठ है तो कौन सा पद शून्य होगा। अब शून्य कौन सा पद होगा अपने को ये निकालना है, यानी n का मान निकालना है। तो यहां लिखेंगे देखो, तीसरा और नौवां पद यानी a3 और a9, ये अपने को दिया है। a3 का मतलब होता है a प्लस 2d और a9 है तो a प्लस 9 है तो 9 में से एक गया 8, तो 8d बराबर कितना आ रहा है यहां पर आ रहा है, तीसरा और नौवां पद क्रम से 4 और माइनस 8 है। तीसरा पद है 4 और नौवां पद है माइनस 8। तो अब क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर एक बन गया, ये समीकरण नंबर दो बन गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में घटाएंगे, सिर्फ यहाँ तक ही देखेंगे। ये वाला बॉक्स बन रहा है अपना इस प्रकार से। अब देखिए ये दोनों ए से ए कट हो सकते हैं, लेकिन कब, जब इनके चिन्ह अलग अलग हों। ये तो दोनों प्लस के हैं, तो चिन्ह बदलने के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा घटाने पर। जैसे ही हम घटाने पर लिखेंगे तो ये प्लस का ए है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का आठ डी है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो अब अपना क्या आएगा, अब अपना मान आएगा, देखो ए से तो ए कट हो जाएगा, दो डी प्लस के हैं और माइनस के आठ डी हैं, तो माइनस के बड़े हैं, माइनस में बचेगा आठ में से दो गए छः और डी। और यहाँ देखिए ये चार प्लस का है और ये आठ भी माइनस का नहीं है, प्लस का है, आठ और चार बारह। तो ये देखिए माइनस वाले हैं, इस माइनस को इस साइड ले जाओ आप, माइनस इसको दे दो तो यहाँ रह जाएगा सिक्स डी माइनस बारह, ऐसे भी लिख सकते हैं अपने इसको। तो d बराबर क्या आ जाएगा, माइनस बारह बट्टा छः, डी बराबर क्या आ जाएगा माइनस के दो। एक तो ये तरीका है इसका, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ध्यान रहे आपको क्या लिखा है। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे नहीं करके ये माइनस के छः इस साइड ले जाएंगे अपने, लेकिन ये गुणा में है, माइनस छः डी है, तो मैं क्या लिखूँगा, डी बराबर बारह बट्टा माइनस छः। अब यूँ नहीं है, इसका प्लस बना दिया हमने, ये माइनस के ही रहेंगे लेकिन गुणा में है तो भाग में चले जाएंगे। तो ये इसका दूसरा जो पैटर्न होता है उसमें गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं, इसमें बराबर के इस तरफ माइनस है और यहाँ नहीं है, तो इस वाले माइनस को उठा करके इस साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएंगे अपने सिक्स डी प्लस के और ये माइनस के बारह, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बारह बट्टा छः, डी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के दो। अब डी बराबर माइनस दो समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रखेंगे, समीकरण एक क्या है, a प्लस दो डी बराबर चार। अब a का तो a प्लस दो डी का मान क्या है, माइनस दो बराबर चार, तो ये क्या हो जाएगा, d बराबर प्लस माइनस माइनस चार बराबर, सॉरी यहाँ a a बराबर प्लस माइनस माइनस चार और बराबर चार, यहाँ आ जाएगा a माइनस चार बराबर चार। अब ये माइनस के चार इस साइड जाएंगे तो a बराबर क्या आएगा, चार, ये माइनस के चार है तो प्लस के चार हो जाएंगे, a बराबर क्या आ जाएगा, आठ। हमारा प्रथम पद a बराबर आ गया आठ। तो अब इसने प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा पद जो है शून्य होगा, ठीक है ना। मान लिया n हुआ, यहां लिख देते हैं, माना n वां पद शून्य होगा, इसका मतलब क्या होगा, इस लाइन का an बराबर जीरो आना चाहिए, ठीक है। an का फॉर्मूला क्या होता है, तो an का फॉर्मूला होता है, देखो अब यहां पर n अपने को पता नहीं है, a पता है, a बराबर क्या है, आठ है, और d बराबर क्या है, माइनस के दो हैं, है ना, और n अपने को
पता नहीं है और ए एन का मान हमारे पास जीरो है, तो हम क्या लिखेंगे, अब ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए क्या है हमारा, ए है आठ और इसका मान क्या है, ए एन का मान क्या है हमारा जीरो, तो ए का मान है आठ प्लस एन माइनस वन, एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एन अपने को ज्ञात करना है, ए एन दिया हुआ था उससे हमने इसको प्लेस कर लिया, इंटू डी का मान क्या है, डी का मान है माइनस दो बराबर जीरो। तो अब देखिए ये जो आठ है ये उठ करके इधर जाएंगे, और या इसको यहीं रहने दें तो फिर इनको गुणा कर लो साथ में, तो यहाँ क्या आएगा आठ, अब देखिए प्लस, अब ये माइनस प्लस माइनस, तो क्या आएंगे माइनस के दो एन, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस के दो बराबर जीरो। अब अगर आप ध्यान से देखोगे एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ क्या आएगा, ये देखो अंक में आठ है, आठ और ये प्लस के दो, आठ और दो हो गए दस, अब ये प्लस और माइनस दोनों के हैं तो यहाँ सिर्फ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, दो एन बराबर जीरो, ये दस इधर जाएंगे तो माइनस के दो एन बराबर माइनस के दस, ठीक है पक्षांतरण हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, एन बराबर दस बट्टा दो बराबर पाँच, कौन सा पद होगा जीरो, पाँचवा पद जीरो होगा। चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ्रेंड्स। आ रहा है फ्रेंड्स इसमें आंसर, पांचवा पद शून्य होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे अपने, पांचवा पद शून्य होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपने आगे करते हैं अगला प्रश्न, इसका अगला प्रश्न है पांचवा, पांचवा प्रश्न करते हैं अपने, पांचवें प्रश्न में अपने को क्या दिया, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 तथा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। प्रश्न क्रमांक है पांच, तीसरा पद दिया अपने को, तो तीसरा पद यानी ए थ्री कितना दिया, तीसरा पद, तीसरा पद दिया है हमें 16 है, यानी ए थ्री का मतलब होता है ए प्लस थ्री है, तो कितने डी, दो डी बराबर कितने दिए हैं इसने अपने को 16, और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, सातवां पद जो है ए सेवन, उसमें से अगर हम पांचवा पद घटाएं, सातवां पद पांचवें से अधिक है, यानी सातवें में से पांचवा घटाना पड़ेगा, तो अपना क्या आएगा, सातवें में से पांचवा घटाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस कितने डी, ए प्लस सिक्स डी में से घटाने पड़ेंगे, a प्लस कितने d, a प्लस 4d, ये देखो सातवें पद को लिखेंगे a प्लस 6d और पांचवें पद को लिखेंगे a प्लस 4d, जब इनको घटाएंगे तो हमारा मान क्या आएगा, सातवें पद, सातवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है, यानी इनका मान क्या आ जाएगा 12, अब इक्वेशन अपने को बनानी पड़ेगी, ये तो एक तो सेट है हमारी, इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये आएगा a प्लस 6d माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह बदलेंगे, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 4d बराबर 12, ये a प्लस का a माइनस का कट हो गया, तो 6d प्लस के और 4d माइनस के, 6 में से 4 गए, 2d बराबर 12, d बराबर 12 बट्टा 2 बराबर 6, तो d का मान क्या आ गया, 6 आ गया। अब ये d का मान जो 6 आया वो हम समीकरण नंबर एक में रखेंगे, d बराबर 6 समीकरण एक में रखने पर, ठीक है तो समीकरण एक में रखेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 2d बराबर 16, ये हमारा समीकरण नंबर एक, यहाँ हम इसका मान जो है रखेंगे, a का मान a प्लस 2 गुणा d का मान 6 बराबर 16, तो a प्लस 6 दुनी 12 बराबर 16, 12 इस साइड जाएंगे
पक्षांतरण होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 16 माइनस 12 a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा हमारा 16 में से 12 गए 4, ये a का मान आ गया। अब इसने अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है, 12 आदि के तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। अब अपने को समांतर श्रेणी बनानी है फ्रेंड्स। समांतर श्रेणी क्या होती है, एपी समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये क्या होगी ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी ऐसे बनेगी। तो ए हमारा क्या है 4 है। अब ए 4 और डी कितना है 6 है। फिर ए है 4 और 2 गुणा डी 2 गुणा 6 तो 4 6 और 4 10 4 प्लस 6 दुनी 12 तो ये आ गया 4 10 12 और 4 16 ठीक है, ये हमारा एपी बन गया। चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स सही आ रहा है गलत आ रहा है। चार दस सोलह सही है फ्रेंड्स। आगे 22 भी दिए हुए तो अपने तीन पदों तक लिखेंगे तो चल जाएगा अपना काम। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अगला प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, छठा प्रश्न है इसका 5.2 का छठा प्रश्न करते हैं अपने। छठा प्रश्न आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों में माना जा सकता है। क्या दिया है, तीन अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिए तीन अंकों वाली वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, ये अपने को निकालना है। तीन अंकों वाली होनी चाहिए। देखो 7 का पहाड़ा जो है वो अगर शुरू करें 7 से शुरू होता है लेकिन वो एक अंक होता है, 7 × 14 दो अंक ही हुई। अपने को तीन अंकों में चाहिए तो तीन अंकों में आप 100 से शुरू हो जाओ ठीक है, और 100 से लेकर के कहाँ तक जाते हैं 999 तक, ये तीन अंकों की संख्याएं हैं अपनी। तो 100 आते नहीं 7 के पहाड़े में। अब देखो 12 × 7 = 84 ठीक है, 84 भी जो है दो अंकों का है। अपने ऐसे लेते हैं देखो 10 × 7 = 70 दो अंक का, 11 × 7 = 77 दो अंकों का, 12 × 7 = 84 दो अंकों का, 13 × 7 = 91 ये भी दो अंकों का, 14 × 7 = 98 दो अंकों का, और 15 × 7 = 105 यानी 105 से शुरू होगा वो। एपी कहाँ से शुरू होगी हमारी, एपी बनेगी बनानी पड़ेगी, इसमें दी नहीं है। तो एपी कहाँ से शुरू होगी 105 से, क्योंकि 105 जो है वो तीन अंकों का है और सबसे छोटा जो है यही अंक है अपना, तो यही संख्या है जो तीन अंकों की है और 7 से विभाजित है, सबसे छोटी 105। अब सबसे बड़ी 999 तो 999 में अपने 7 का भाग दे करके देखते हैं। तो 7 × 7 9 में से 7 गए 2 नया अंक आया 9 × 7 = 28 कितने बच गए 9 में से 8 गया 1 और यहाँ ले लिया अपन ने 9 तो 7 × 2 = 14 कितने बच गए 5 यानी 999 में से अगर अपने 5 घटाते हैं तो कितना बन कितना बचता है 999 में से अगर 5 घटाएंगे तभी पूरा पूरा विभाजित होगा। देखो ये जो शेषफल बचता है उसको अपने को क्या करना है इसमें से घटा देना है ताकि ये बचे नहीं, इसको मेरे को जीरो लाना है। पूरा पूरा भाग कब जाएगा 7 का, जब यहाँ जीरो बचेगा। ये 5 बच रहे हैं तो इसमें से 5 घटा दो तो यहाँ 994 हो जाएंगे, 994 में 7 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो पहली होगी 105, दूसरी क्या होगी 105 और 7 112 112 और 7 119 7 के गैप से लिखना है। अंतिम जो संख्या होगी वो हमारी कितनी होगी,
ये देखो 999 है, 999 में से 5 अपने को घटाने पड़ेंगे, भाग दे करके देख रहे हैं अपने कितने बचेंगे, 994 बचेंगे। तो हमारी एपी टोटल कंप्लीट कैसे हुई, 112, 119 और ये जो लास्ट वाला है वो 994। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये आपका ए आ गया, ठीक है। डी कितना आएगा, 7-7 का गैप है तो डी 7 आ जाएगा आपका, और लास्ट वाला जो ये पद है ए एन है, ये 994 कैसे लाए, 999 में 5 घटाए, क्यों घटाए 5, क्योंकि 5 से शेषफल बच रहे थे, हमने भाग दे करके देखा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ लिखेंगे ए बराबर 105, डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, 112 में से 105 को घटाया, कितना बचा 7, और डिफरेंस 7 का ही चल रहा है, 7 से विभाजित है, मतलब 7-7 का ही गैप आएगा, डी जो है हमारा 7 ही आएगा। ए एन हमें दे रखा है 994, एन हमें ज्ञात करना है, तीन अंकों की कितनी संख्याएं, यानी एन कितनी संख्याएं हैं वो निकालनी हमें। तो अब हम यहाँ ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी, और ए एन का मान हमारा है 994। अब ए का मान क्या है, ए का मान है 105 प्लस एन माइनस वन, एन का मान है नहीं 1, गुणा डी का मान कितना है, डी का मान है 7 बराबर 994। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये देखिए 105 प्लस 7 को एन से किया, 7n प्लस माइनस माइनस 7 एकम 7 बराबर 994। अब ये 105 में से 7 घटाएंगे अपने, ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, घट होंगे तो यहाँ पे 7n तो बचेंगे, 105 में से 7 के कितने बचेंगे 98, ठीक है बराबर 994। अब ये 98 इधर जाएंगे तो 7n बराबर क्या आएगा, 994 माइनस के 98, तो 7n बराबर क्या आएगा, 14 में से 8 गए 6 और 8 में से 9 घटते नहीं, 18 में से 9 गए 9 और यहाँ बच गए 9 में से 1 हासिल दिया था तो यहाँ रह गए अपने 8, n बराबर क्या आ जाएगा 896 बट्टा 7। अब 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7 1 बच गया, 1 9 19, 7 2 14, 5 7 8 56, तो एन कितने आए फ्रेंड्स अपने 128, तो यहाँ आएगा अपना आंसर 128 पद होंगे या 128 संख्याएं होंगी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना यहां तक। अब इसके बाद अपने इसका अगला प्रश्न कर लेते हैं, इसमें दिया है समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी दे दी अपने को 10, 7, 4, फिर दे रखा है -65, अंतिम जो पद है वो से 11वां पद ज्ञात करना है, अंतिम पद से कौन सा पद ज्ञात करना है 11वां पद। इसका आंसर चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स, पहले आ रहा फ्रेंड्स, अब अपने अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल भी दे रखे हैं फ्रेंड्स, वो भी अपने कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स इसका एग्जाम्पल जो है 9वां आपको करना है, उदाहरण 9। और उदाहरण 10, 11 ये आपको होमवर्क में करने हैं। अब करते हैं फ्रेंड्स अपने अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न। सातवें प्रश्न में अपने को क्या दिया है,
समांतर श्रेणी दे दी अपने को एपी, एपी में क्या दिया 10, 7, 4। अंतिम पद दे दिया फ्रेंड्स अपने को, देखो अंतिम पद देने से पहले इसने 3 डॉट दिए, उसके बाद -65 का अंतिम पद से, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करें, ऐसे दिया अपने को। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें आपको एक तो ए चाहिए, ए कितना है 10, डी चाहिए, तो डी देखो इसमें से दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो देखो प्लस माइनस घटेंगे, ये माइनस की संख्या बढ़ी है, तो उत्तर किस में आएगा, माइनस में आएगा, 10 में से 7 गए 3। ए एन दे रखा है आपको, ए एन को ही अंतिम पद एल बोलते हैं फ्रेंड्स, इसी का नाम एल भी है, और ये कितना दिया है -62। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, अंतिम पद से, पद से 11वां पद, तो इसका सूत्र लगेगा देखो L माइनस, अब अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करना है, कौन सा 11वां, तो ये 11 यहां लिखेंगे ठीक है, उसमें से एक घटा देंगे गुणा, अब D कितना है वो इसके साथ गुणा कर देंगे -3, तो L कितना है फ्रेंड्स यहां पर लिख देते हैं यहां पे D ठीक है, और ये जो है यहाँ इसको n ले सकते हैं अपने, तो l कितना है -62 है, माइनस n कितना है 11 है, 11 में से कितने घटाने हैं, एक घटाने हैं, इंटू डी, डी कितना है माइनस का 3 है, तो कितने आ जाएंगे माइनस के 62 माइनस 10 में से 11 में से एक गया, हो गए 10 गुणा माइनस के 3। अब देखिए माइनस के 62 माइनस माइनस प्लस के 30 ठीक है, माइनस के 62 में से 30 घट गए, कितने बच गए माइनस के 32, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। शॉर्टकट फार्मूला है फ्रेंड्स, अच्छे से करना, ऐसे प्रश्न बनते हैं तो ये फार्मूला याद होना जरूरी है अपने को, ताकि आसानी से कम समय में इसको पूरा अपने कर सकें। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आठवां, वो आपको करना है, नौवां कर लेते हैं हमने, नौवां क्वेश्चन कर लेते हैं फ्रेंड्स। नौवे में क्या दिया, एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, कितने पद हैं, आठवां आपको करना है, नौवां में करवा रहा हूं, कितने पद हैं 60 पद हैं, एन 60 है, यानी टोटल 60 पद हैं, यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः 7 और 125 हो, प्रथम पद यानी ए कितने हैं 7, और अंतिम पद, अंतिम पद यानी ए एन यानी कि एल, ये कितना है 125 है, तो उसका 32वां पद ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है 32वां पद, यानी ए 32 अपने को फाइंड आउट करना है कि ए 32 का मान, 32वां पद जो है अपना वो क्या होगा, ये अपने को निकालना है फ्रेंड्स। अब देखिए फॉर्मूला क्या लगेगा, सबसे पहले तो अपने को एन निकालना पड़ेगा, कहाँ से निकलेगा, सॉरी डी निकालना पड़ेगा, वो कहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, तो अब हम यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है, और ये कितना दिया अपने को 125 दिया है, ए कितना यहाँ पे 7 है, प्लस एन कितना दिया अपने को, ये जो दे रखा है ना एन 60 है, तो ये जो 60वां पद दिया फ्रेंड्स, अंतिम पद 60वां ही है, तो 60वें पद का मान है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए एन का फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ ए 60 का मान आ जाएगा, 7 प्लस एन का मान कितना है 60 माइनस 1 इंटू डी है ही नहीं हमारे पास, बराबर 125, 7 प्लस 60 में से 1 गया 59, और उसको डी से गुणा किया तो कितने आ गए 59 डी बराबर 125, अब ये 7 इधर जाएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 59 डी
बराबर 125 माइनस के 7 तो 59, डी बराबर 125 में 7 गए 15 में से 7 गए 8 और ये हो गए 11, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 118 बट्टा 59, डी बराबर क्या आ जाएगा, देखो 2 से कट हो जाएंगे, ठीक है ना, तो डी बराबर क्या आ जाएगा 2, ये हमारा डी का मान आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, ए 32 का मान, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या चीज़ है, ए है हमारे पास 7, डी का मान अभी अभी हमने निकाला 2, ठीक है, यहाँ 32, ए 32 निकालना है, एन बराबर क्या हो जाएगा 32 और निकालना क्या है ए 32, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है, ए का मान, एन का मान है 32, ए का मान है 7 प्लस 32 माइनस 1 और डी का मान है 2, 7 प्लस 32 में से 1 गए 31 गुना 2, 7 प्लस 31 गुना 62, तो ये हो गए 69, ये आ जाएगा हमारा आंसर, कितना आएगा 69। तो फ्रेंड्स इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं, आ रहे हैं फ्रेंड्स, इसका आंसर 69 ही आएगा। ये थी फ्रेंड्स हमारी प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताते रहिए। फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि बाकी वाले बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।